जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, आखिर आपके लिए यह 24 घंटे कैसे व्यतीत होंगे, यानी कि दिनांक 25 जुलाई 2023 का दिन मित्रों कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा, आप भी यह जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे होंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं पंचांग पर, तो आप सभी को मित्रों बता देते हैं कि 25 जुलाई को मंगलवार का वार है। साथ में मित्रों श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और हाँ, चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वहीं मित्रों सिद्ध एवं साध्य नामक दोनों योग बन रहे हैं और दोनों ही योग बड़े ही शुभ हैं। अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो वृषभ राशि में ही विराजमान रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों, वह कन्या राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, कौन से शुभ समाचार मित्रों आपके जीवन बदलेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी प्रदान करेंगे। तो मित्रों हमारी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। तो मित्रों आइए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे गुरुजी द्वारा बताए गए एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। मित्रों अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए आखिर कैसे जी सकते हैं। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह इंसान अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है, वह इंसान जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लेता है। तो आइए मित्रों इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की ओर। मित्रों समय बहुत शुभ चल रहा है, इस समय की महत्ता को आपको जानना होगा और स्वीकारना होगा। जैसा कि आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त बेकार के विवादों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि विवादों में पड़कर मित्रों आपकी छवि खराब होगी वह अलग, और हर कोई आपके प्रति नकारात्मक सोच रखेगा वो अलग। पिछले कुछ समय से चल रही किसी नकारात्मक परिस्थिति को सुलझाने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों आपको बता देते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक परिस्थिति पर ही ध्यान दें, अन्य कई तरह की गतिविधियों में भी व्यवस्था रहेगी और दोस्तों तथा संबंधियों के साथ भी मेल मिलाप रहेगा और खास विषयों पर वार्तालाप भी होगा। मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि कोई छोटी सी गलती भी आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकती है, तो ध्यान रखें मित्रों इस वक्त कोई भी गलती करने से आपको बचना है। कुछ समय एकांत
अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और युवाओं को कोई उपलब्धि मिलने पर समय का सदुपयोग करना जरूरी है। युवा वर्ग इस वक्त अपने काम से मतलब रखें। बिजनेस में तुरंत फैसला लेना पड़ सकता है, इसलिए बिजनेस को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहें और इस वक्त कोई काम पेंडिंग बिल्कुल भी ना रहने दें। बिजनेस पर ज़्यादा पैसा लगाने के लिए समय ठीक नहीं है। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों को काम ज़्यादा होने से ओवर टाइम करना पड़ सकता है और परिवार में आपसी सामंजस्य सुख शांति बनाकर रखेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, अपनी हद में रहकर ही आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तनाव और थकान का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी दवा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मित्रों, जो डर जीवन में बन रहा है उस डर का सामना करने की कोशिश करें और अपने नकारात्मक विचारों को सुलझाकर आगे बढ़ें। हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना करें मित्रों, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहे वैसा ही हो। हालात को स्वीकार करें, स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। साथ ही मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि अपने नकारात्मक विचारों को सुलझाकर जीवन में आगे बढ़ें। हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना करें, क्योंकि कई बार कुछ काम मित्रों हमारे हाथों में नहीं होते हैं। अब जब हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो इस वजह से नकारात्मकता आती है। हालातों को स्वीकार करें और स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। मित्रों, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कामों में बदलाव करने की आपको ज़रूरत है और करियर में गंभीरता बढ़ने से काम को डिसिप्लिन से किया जाएगा। रिलेशनशिप में जो बदलाव लाना चाह रहे हैं उससे संबंधित प्रयत्न करने की आपको आवश्यकता है। साथ ही मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका धन सही कार्यों में खर्च होगा, सही जगह लगेगा और छात्र परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मित्रों, मन में डर भी रहेगा कि कैसा परिणाम रहेगा और क्या परिणाम प्राप्त होंगे। छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, किसी को पैसा उधार देने से बचना है मित्रों, और यदि पैसा उधार भी दे रहे हैं तो उसकी वापसी सुनिश्चित कर ले। व्यवसाय और धन दोनों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। अपार धन होगा मित्रों, अपार सुख। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रयत्नों की वजह से लोगों के साथ संबंध सुधरेंगे और मिलकर काम करने की कोशिश आपको करनी होगी। मित्रों, बहुत जल्दी ही आपको सफलता भी मिल सकती है और इस वक्त बता देते हैं मित्रों कि पुरानी बीमारी ठीक होने से सेहत में सुधार होगा और जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ेगी। व्यापारियों को नए क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा और पार्टनर द्वारा की गई आलोचना पर ध्यान देने की वजह से विवाद हो सकता है मित्रों, तो विवादों को बिल्कुल भी ना बढ़ने दें और प्रेम से मित्रों बैठकर बातों को सुलझाएं। अगर कोई चिंता है तो उस चिंता को किसी करीबी इंसान से साझा करने से उसका निवारण मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को ही अपनी दुखती नस बताएंगे तो मित्रों लोग तो फायदा जरूर उठाएंगे। इस बार आपको वह गलती नहीं करनी है। मित्रों, लोगों को अपनी दुखती नस बिल्कुल भी ना बताएं। और हाँ, वित्तीय स्थिति में सुधार होगा,
नई शुरुआत के लिए यह समय अनुकूल है और प्रभावशाली लोगों का भी सानिध्य और सहयोग आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति और अधिक गंभीर होने की जरूरत है मित्रों, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग मन में इस वक्त वहम पाले हुए हैं कि बिना पढ़ाई किए, भाग दौड़ किए, मेहनत किए पास हो जाएंगे। तो अपने इस वहम को जल्दी दूर करने का प्रयास करें, और अगर परिवार में कुछ वैमनस्य की स्थिति चल रही है तो वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में संबंधों को खराब होने से बचाएं। अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार ना लें और अन्य लोगों के साथ मित्रों कार्यों को बांटना सीखें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा खुद के ऊपर कार्य ले लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। बिजनेस में सूझबूझ से काम करने की ज़रूरत है मित्रों, और लापरवाही से आपको बड़े नुकसान हो सकते हैं, इसलिए आपको लापरवाही नहीं बरतनी है किसी भी तरह की। मित्रों निवेश की योजना है तो तुरंत अमल करें, अनुकूल नतीजे मिलेंगे। इस समय पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी जरूरी है मित्रों, और घर में सुख शांति मित्रों बनाकर रखें। प्रेम संबंधों को भी विवाह में परिणित होने की स्वीकृति मिलेगी, और पॉल्यूशन की वजह से कोई इन्फेक्शन अथवा त्वचा रोग जैसी समस्या बढ़ सकती है। तो पितृ प्रधान लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत होगी मित्रों, अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा मेहनत होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपेक्षा से कई गुना अगर ज़्यादा मेहनत होगी तो कई गुना लाभ भी मिलेगा। जिन विचारों के कारण तकलीफ हो रही है उन्हें सुलझाने का रास्ता आपको मिलेगा। कई बातें स्पष्ट होने से आगे क्या करना है ये तय कर पाएंगे, और विचार के लोगों का साथ मिलेगा। जिन विचारों के कारण आपकी तकलीफें बढ़ रही थी मित्रों, वह विचार दूर होंगे, लेकिन आपको अपने प्रयत्न जारी रखने होंगे। करियर में नाराजगी बनी रहेगी, लेकिन नए अवसर भी मिलते रहेंगे, और रिलेशनशिप संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय मित्रों आप ले पाएंगे। बदन दर्द की समस्या हो सकती है, बदन दर्द को तकलीफ से दूर रखें मित्रों, और परिवार से संबंधित किसी गंभीर विषय पर बहुत ज़्यादा वार्तालाप होगा, और ज़्यादा वार्तालाप करना भी कभी कभी आपको नकारात्मक बना सकता है। आपकी सलाह को प्राथमिकता भी मिलेगी, और भूमि वाहन आदि के खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं मित्रों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगी, कोई सरकारी मामला सुलझ सकता है मित्रों। व्यक्तिगत व्यवस्था के बावजूद कुछ समय बच्चों के लिए जरूर व्यतीत करें और उनकी समस्याओं पर ध्यान दें। गलत बात का प्रतिकार करने से अकारण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे। आपको हर काम बड़ी संजीदगी और गंभीरता से करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के परिणाम घातक हो सकते हैं, और बिजनेस में नई पार्टियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मीटिंग वगैरह के भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और पार्टनरशिप के कामों में मतभेद की स्थिति बन सकती है मित्रों। कर्मचारियों के बीच बिल्कुल दूरी ना बनने दें, ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा, और परिवार वालों के साथ मनोरंजन यात्रा प्लान हो सकती है। युवाओं को विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होने की संभावना है, तो युवा लोग इस वक्त इन सब बेफिजूल चीज़ों से दूर रहें, और कमर में व पेट में दर्द बढ़ने से
दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त रहेगी, तो इस दरमियान वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। जिस काम की वजह से भावनात्मक तकलीफ हो रही है वे काम सुधर सकते हैं। बार बार एक जैसी समस्या हो रही है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें और परिवार के लोगों से नाराजगी ना रखें। मित्रों, आपको पूरा साथ मिलेगा अपने लोगों का। करियर में जो उतार चढ़ाव है वे जल्दी ही दूर होंगे और अन्य लोगों का प्रभाव दूर होने से रिलेशनशिप बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। शारीरिक कमजोरी और आलस को दूर करें मित्रों। और बता देते हैं कि आपके परिवार में उत्सव रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में मित्रों हर मामले को लेकर स्पष्ट रुख रखें। व्यापारिक दृष्टिकोण सब कुछ ठीक से चलेगा। आपकी इनकम अच्छी रहेगी। कुछ लोगों को विदेश जाने की खुशखबरी भी मिल सकती है। वहीं मित्रों हम आपको बता भी देते हैं कि भाइयों के सहयोग से आप हर वो काम आसानी से पूरा कर लेंगे जिन काम को करने में आपको बहुत दिक्कतें महसूस हो रही थी और बहुत नकारात्मकता महसूस हो रही। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ऐसा उपाय आपको बार बार बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिलेंगे। हाथ में धन नहीं रुकता है तो अभी कर ले यह छोटा सा उपाय। मित्रों रविवार के दिन घी का दीपक जलाना फलदायी होता है। इस दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि परिवार को घी का दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर आगमन भी होता है। वहीं मित्रों एक और छोटा सा उपाय और है जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। मित्रों आपको क्या करना है, सावन का उपाय है। मित्रों भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरे 8 सावन सोमवार मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति तनाव और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है तो सावन के मित्रों पहले दिन यानी कि मंगलवार को 21 बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर मंदिर में जाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो आइए मित्रों इस उपाय को जानने के बाद वीडियो की समाप्ति यहीं पर करते हैं। दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।